ये नंबर भी जाली लग रहा, ना दिखाई किसका नंबर है, बेचारा माइंड कर जाएगा। आपको पता कि मैं दोनों कंपनियों में शेयर खरीदने आया हूँ, दीपाल और इसके शेयर लेने लगा हूँ। पहले शेयर आपको पता है मेरे पास मौजूद है, हटो जगह दे दो, गुप्त मिशन है इसको वीडियो में ना डालना। थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं, कराची आए थे, बाली वाला काम करो, पिटे मुंह कहना है तुमने। यार क्या है मलीर में, क्या किए मैं? थोड़ा सा शर्त हो गई है, ये वीडियो में आ रही है, एक मिनट। अब आज का खाना इस पे है, जगह आपने डिसाइड करनी। अस्सलामुअलैकुम पाक व्लॉगर्स, कराची के व्लॉग में फिर से खुश आमदीद। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, मेरे पीछे देखें कौन आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? मैंने कहा दूर से दूर टिकटॉकर नजर आए, क्या करने लगे भाई, लगाए लेट हो जाएंगे पहुंचे। आज तो मौसम लगता है अच्छा हो यहाँ पे। हाँ सर, बहुत सुहाना मौसम है, स्कूल बैग लेके आप आ रहे हैं। यानी हमारे एक दोस्त आए थे कल, वो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, बड़े मजे के, इसमें इतने खाने हैं कि तुम्हारी सोच है। लेकिन काफी अच्छा लग रहा है ये बैग, लेकिन मेरे कंधे भी अच्छा लग रहा है। इतने मजे की फ्लाइट थी कि आपकी सोच है। मेरे साथ जो अंकल बैठे थे उनके अंदर बेसिक मैनर्स की काफ़ी कमी थी। सर ये चेक करें, हसीन गाड़ी BK 2359, ये ब्लैक करके अच्छी लगती ग्रिल। कराची में से कम नजर आती है BJ40 ना? सर दिखना शुरू हो गई है। अच्छा, आपको तो नजर आनी आनी है, आप बड़े आदमी है भाई। सर घूमते रहते हैं ना कराची में। BK और FJ दोनों आ गए। चलो जी आइए बॉयस। मैं हर दफ़ा एयर ट्रैवल से पहले सोच रहा होता हूँ कि आज आखिरी दिन है तो माफ़ी शाफ़ी मांग लो जिसे मांगनी है। इस दफ़ा बंदा क्यों नहीं मिला, किससे माफ़ी मांगनी, सारे सो रहे थे सुबह सुबह। हमेशा नहीं मैं ड्रॉप होता तो एयरपोर्ट पर, इस दफ़ा मैं गाड़ी खड़ी कराया। अब देखते हैं आज शाम को वापसी तक होती है क्या होती है। आपने 4-5 और रिव्यू रख लिए होंगे बीच में ना? वो फैक्ट्री टूर है, 4 रिव्यूज हैं, हम ऐसे फ्री हो जाएंगे। सही जा रही है, मतलब छोटे छोटे प्लान है आपके। अच्छा हम लोकेशन लगा लें, आपके फैक्ट्री प्लांट से पहले मैंने एक मीटिंग भी रखी हुई है, बल्कि फान भाई से मुलाकात है छोटी सी, हम दोनों ने एक थोड़ा मशवरा करना है आपस में, उसके लिए हम लोग मिल रहे हैं। गुप्त मिशन है, इसको वीडियो में ना डालना। ये टायर किलर लगा रहे हैं आजकल होलसेल में पूरे पाकिस्तान में, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर काम तो कर रहा है कहीं कहीं। नहीं यार किलर मुझे तो लगता है कि आगे जाते थे, अगर फर्ज करें गलती से आप यूँ रुक गए ना अलग करके तो पीछे आ जाना, ये पीछे ही हो जाएगा काम। जब से कराची आ रहा हूँ जिंदगी में कभी इस रोड पे किसी को उल्टे आते नहीं देखा। आपने देखा भाई? आपने देखा इस वाली सड़क पे? तो ना नॉन जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा उल्टे आ रहे हैं, वहाँ तो आप करें। अच्छा जी टेम्परेचर क्या चल रहा है? बड़ा अच्छा मौसम है यार कराची, एंजॉय कर रहा है ना, एसी की कमी है, ठंड से पसीने आ गए मुझे। यानी पन्नी पैक क्या तुम्हारे शहर में भाई? सर वो खराब हो जाता है ना, तो भाई मुंह क्यों धोते, वो भी गंदा हो जाता है। आपकी बात सुन के ना मैंने छोड़ दी, वो नजर आ रहा है। 0 मीटर कहने में आसानी होती है ना। यार क्या है मलीर में, क्या गेम है? सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट भी इधर है, स्टेप स्कूल भी इधर है, कोई समझ नहीं आ रही इन लोगों की कर क्या रहे हैं। हमने 10-20 का टाइम दिया, 10-25, 5 मिनट लेट। यार एक तो मैं लेट होना पसंद नहीं करता, 7 रन में गुजर रहा है, रेस लगा लें। तो फरहान साहब से क्यों नहीं जीत पाते आप? ये बात उसको भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता कि विनर कौन है। इरफान की गाड़ी तो कोई नहीं खड़ी। आगे 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 जाएगा कोई नहीं है। यार मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं, हम कराची आए थे तो अब बस इसमें हम मिल रहे थे, इसके आगे हम क्या डिस्कशन करते वो ब्लॉग में ना डालना। यार आपस की बात ये है कि 23 किलोमीटर 41 मिनट्स में क्यों होंगे? क्लियर क्लियर रास्ता है ना, कोई रश आवर है, क्या वजह? चलो तारीम करते हैं तुम दोनों की, बताओ दोनों की ये जो आगे गाड़ी जा रही है सिविक, ये लोकल है कि इम्पोर्टेड? इम्पोर्टेड हो सकती है। आपका क्या ख्याल है भाई? मुझे लग रहा है लोकल है। लोकल वाली में तुम्हें वो नजर आए थे पार्किंग में जो लगे हुए? नहीं। ठीक है गाड़ी लोकल वाली, आपस की बात है। छत पे एंटीना देख रहे हो, इसने खुद लगाया हुआ है शार्क फिन। लोकल गाड़ी में छत पे एंटीना नहीं आता, इम्पोर्टेड वाले में जिसमें वो बिट्स भी नहीं आता, बड़ा सा वो आता है। और जो एग्जॉस्ट की ये टिप है ये इम्पोर्टेड वाली में नहीं लोकल वाली में आती है। मज़े की एक और बात बताऊँ जो मुझे लग रही है इस गाड़ी के अंदर, ये नंबर भी जाली लग रहा है, ना दिखाई किसका नंबर है, बेचारा माइंड कर जाएगा। तो 6-7 में लाहौर में कंप्यूटर प्लेट आ गई थी, ये उससे पुराना नंबर है, इसे कहते हैं गाड़ी को पकड़ना। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, मैं कराची के लिए फ़्लाइट चढ़ा था, मुझे कराची से फ़ोन आया AVLS वालों का कि जी आपका एक क्रूज़र है 1000 नंबर का। मैं कहा जी किधर है? मेरे सामने खड़ा है। गाड़ी वो तो मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब मेरे सामने खड़ा? कहते मैं कराची में हूँ, मेरे सामने गाड़ी खड़ी है। शकल चल रहा है। हम शकल नंबर भी मेरी गाड़ी का लगा के चला रहे थे भाई, पकड़ी गई। अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जो कि हमें डायरेक्ट इंडस के प्लांट पे लेके जाएगी। शीशा लगाया लेकिन देख नहीं रहा उसको, काली चादर बंदी भी आ गई और सारा कुछ रुका हुआ आ गया। कुछ है सही कह रहे थे, कोई प्रोटेस्ट है कुछ है, जितनी खुशी थी ना सारी पूरी हो गई। इतनी खुश यार, दिस इज बैड, मुझे लग रहा है ये वापसी मेरी आज नहीं हो पाएगी। ब्लॉकेट की वजह क्या निकली अभी तो समझ आई कोई? ये चोक पॉइंट एक जो बना हुआ है ना, हाँ इसमें बस लोग दूसरों को जगह नहीं देते, इसके लिए 7 मिनट की ब्लॉकेट नहीं हो सकती, आगे कुछ और हुआ। नहीं सर हो जाता है कराची में, कोई किसी को जगह नहीं देता। चल यार तू चला जा, तुझे कराची वालों को मैं बताऊंगा मैं लाहौर से आया हूँ।
हॉर्न के ऊपर से तो गाड़ी नहीं चल सकती। रिवो कल्चर कराची में इसीलिए है कि लोग जो है ना जगह वरना तमीज से नहीं देते। हटो जगह दे दो। इस ट्रक के पीछे लगने का फायदा ये कि इसके आगे कोई रुकेगा नहीं, जो भी आएगा ये खुद ही हटा लेगा उसको। अचानक होटल आ गया यार, क्या नाम है अचानक। वीगो जो है वींगा अगला वाला, देखो टेढ़ा है, यूं है एक, यूं भी टेढ़ा और पूरी चेसी भी टेढ़ी है गाड़ी की। यहाँ से सीधी नजर आएगी ना गाड़ी टेढ़ी है, नया तो लेने से रहता, उसको मार के उसको क्रैप स्टाइल कर दो। सर ये आ रही है टोयोटा चौरंगी जी सर, यहाँ से राइट जाना है हमने। ये किस तरह परमिशन लेनी पड़ती होगी? पैसे दिए होंगे भाई सरकार को, ऐसा होना चाहिए सर। पार्क व्हील्स का भी एक 15-20 साल की तेरी और मेरी सैलरी जो है ना उस पर लग जाएगी, कर देते हैं। यहाँ मेरी फेवरेट गाड़ी भी खड़ी है अंदर, मैं गारंटी चैलेंज देता हूँ, मेरे पास इसके साथ ही गाड़ी इसी हालत की, बट चलती भी बेहतर नहीं हो सकती, ये तो 0 मीटर है। मेरी 70,000 चली हुई है लेकिन टोटल जेन्युइन है और ब्लैक कलर में। वैसे इसको अभी तक मेंटेन करने के लिए इसके रबर शबर चेंज होते हैं कैसे? अच्छा कमाल है, फिर प्लांट करते हैं आपको पीछे जहाँ पे हमारा रेस ट्रैक है। और जिस रेस ट्रैक टी कॉफी के लिए टाइम नहीं जाएगा? नहीं नहीं, अभी मुझे पता है, अभी हम लोग भी तो चाह रहे हैं थोड़ा सा सुकून से इसमें वो कर लेते। इसके टायर अभी तक वही हैं कि नए लग गए हैं? टायर भी वही हैं। वाह जनरल के उस जमाने के दिखने में अच्छे लग रहे, पतले हैं बहुत और वैसे भी यूज़ नहीं रहे, उसने उसकी लाइफ ख़त्म हो गई होगी। वो सामने गाड़ी खड़ी है वाइट, इसकी शेप उससे डिफेंडर 103 से मिल रही है बिल्कुल। अल्लाह अकबर, आइए यानी मेरा फ़ोन रख लो या मैं गाड़ी के अंदर ही रख देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। अभी हम कहते हैं टेस्टिंग, लास्ट टाइम आए थे तो आपने वो डराया था याद है डाउन हिल पे? हाँ। मैं कभी डराने के लिए फिर आ गया। अच्छा वाइट का कलर बड़ा खूबसूरत, वो एक वो है सिल्वरेश, वो जिसको आप बोलते हैं ना एश वाइट टाइप है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पर्ल वाइट आता है ना वो उसमें ज्यादातर होता है कि बस दो कलर शायद जा रहे हैं, बट इसका एक बड़ा खूबसूरत सा शेड है और ब्लैक बैजिंग थोड़ी खूबसूरत है, सारे हैं वो वाइट में निकल कर आ रहे हैं, एनिमल टाइप लुक है। अच्छा उस वाले वेरिएंट में ना इसकी ग्रिल भी क्रोम थी, उसकी ग्रिल क्रोम की थी, उसकी साइड की पट्टियां जो है वो पूरे दरवाजे पे नहीं थी, हाफ पे खत्म हो जाती थी, ये पूरा है उसकी जो है सिल्वर मोल्डिंग थी वो यहाँ खत्म हो जाती थी, इसकी पूरी जा रही है, पूरी कंटिन्यू है कॉर्नर तक। और ये थे उसके अंदर, ये थे उसके अंदर। अच्छा यहाँ से डिफेंडर से मिलती है ना, बहुत ज़्यादा डिफेंडर की लाइटें ऐसी होती हैं। ऑटो बूट भी है भाई और 7 सीटर है तो 7 सीटर की भी ऑटो यहाँ पे एरी ना। 105 लीटर की ट्रंक है इसकी, 405 नहीं नहीं गारंटीड है, ये शर्त है, ये वीडियो नहीं कटेगी नहीं, ये मैंने एक जगह से कंफर्म किया अपने पास, साहब शर्त हो गई है ये वीडियो में आ रही है। एक मिनट, कह रहा है बहुत पढ़ के आया लड़का, कह रहा है 105 लीटर का ना ट्रंक है, मैंने कहा बेटा 405 है, 405 सर सही कह रहा है, तो इसने 105 कह दी है, अब आज का खाना इस पे है, जगह आपने डिसाइड करनी है। एमसी के टेस्ट ट्रैक के जो बेसिक रूल्स हैं सर, ये कि आपने ड्यूरिंग ड्राइविंग सीट बेल्ट लाजमी पहननी, मोबाइल यूज़ नहीं करना, हमारी ट्रैक की लिमिट 80 है, ठीक है, तो 80 को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ये तीनों चीज़ें मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में बगैर सीट बेल्ट के बैठता नहीं हूँ, मोबाइल नहीं सुनता और 60 से ऊपर चलाता नहीं हूँ, इसके अलावा मैं एमसी का ट्रैक और मैं एक ही उसमें यहाँ पे वगैरह 30 है स्पीड पर, हाँ जी 30 की स्पीड ना, ठीक है इस पर 10 से 20 अगर आप इस पर लेकर आएंगे। गाड़ी का जो रिव्यू तो कंप्लीट हो गया, अब हम इंडस होटल में खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो हम खाना खाने के लिए आए। और ये गाड़ी देख के ना दिल निकलता है, इसको स्टार्ट वगैरह भी करते हुए थे नहीं होती है, रेगुलर मेंटेनेंस होती है। ये देखेंगे मैंने कैसी टाइम अपनी फिटमेंट की हुई है कि हम लोग कितने बजे पहुंचे थे, 12 बजे वहाँ पे, ठीक 12 बजे पहुंच गए शूट करके, खाना खा के, मीटिंग करके, 3 बजे हमने पहुंचा था चंगान, 3 बजे वो भी पहुंच जाएंगे। आपको पता है कि मैं दोनों कंपनियों में शेयर खरीदने आया हूँ, दीपाल और इसके शेयर लेने लगा हूँ, पहले शेयर आपको पता है मेरे पास मौजूद हैं, शेयर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा पूरी फैक्ट्री में हर बंदा चंगान की गाड़ी इस्तेमाल करता है, वो यहाँ पे तो वो मछलियाँ पहुँची हुई हैं, BYD का वो काम लग रहा है, अंडर वाटर सारी क्रिएचर्स। अच्छा जी अभी हमें घर से निकले हुए हो गए जी 12 घंटे, सुबह 5:45 में मैं घर से निकला था, अब 5:48 हो रहे हैं और हम टोयोटा की फैक्ट्री से और चंगान की फैक्ट्री से दो फैक्ट्री टूर करके निकल चुके हैं, मीटिंग करके निकल चुके हैं और वापस जा रहे हैं
शहर कायद की तरफ, कोशिश करेंगे कि रात 8 बजे जो लाहौर की फ्लाइट है उसका चांस ले लें। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।